खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन धतरवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। एंड टुडे विल बी कवरिंग द लेक्चर 3 ऑफ द चैप्टर वेक्टर्स एंड फोर्सेस। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं क्या जो हमने कल की क्लास में लेक्चर 2 में पढ़ा था। और उससे पहले सारे बच्चे अपने दिल पे हाथ रख के एक चीज का जवाब दो कि लास्ट लेक्चर आज कितने बच्चों ने 3 बार रिवाइज किया है। ठीक है, वो जरूरी है यार। कल हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी थी, क्या? गाइड प्लस ओबीडियंस प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर आप यार ये सेकेंड वाला पार्ट नहीं करोगे या थर्ड वाला पार्ट नहीं करोगे, इन तीनों में से कोई भी गिर गया, ठीक है, पहला वाला गिर जाए तब भी चल जाएगा, पर सेकेंड और थर्ड गिर गए तो यार कोई भी एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा, आसान सी चीज़ मुश्किल हो जाएगी, समझ रहे हो, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। पर ये 3 चीज़ हमारे साथ हुई तो सारी चीज़ आसान है, फिर सब कुछ हो सकता है। तो कल हमने यार सबसे पहले पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, फिर हमने कवर किया था पैरेललोग्राम लॉ। ये किस चीज़ के लॉ हैं? 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, 1, 2, और हमने लास्ट में पढ़ा था कंपोनेंट मेथड। अब इन दोनों में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और हम एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूला डिराइव भी किए थे। फिर क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर के बारे में जाना था कि भाई अगर एक वेक्टर है 10 यूनिट का ए, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? उसी डायरेक्शन में जाने वाला सिंगल यूनिट का वेक्टर। ठीक है, सिंबल क्या होता है? ए के ऊपर आप कैप लगा देते हो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मान लो एक वेक्टर है ए 10 यूनिट का एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहा था यार, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था दोनों तरफ। ठीक है, और इसको हम बेसिकली कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते थे, तो ये वाला हमारा कितना हो जाता था 10 cos 30 degree, कितना हो गया आपका √3/2, ये आपका कितना हो जाता था 10 sin 30 degree, तो ये आपका 5 हो गया। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में तरफ है तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इस वाले को हम लिख देते थे 10, आपका बेसिकली 5√3 हो गया ना, 5√3 आई कैप, क्योंकि आई कैप हमारा एक्स एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर होता है, प्लस 5 j कैप, क्योंकि j कैप हमारा वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है ना यार कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक्स कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा वाई कॉम्पोनेंट। भैया इनको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। कल को क्या होगा, कुछ आप क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे हमारी 3 एक्सिस यूज़ हो रही होंगी। मान लो आपका ये जो ए वेक्टर अभी ऐसा है, ये ऐसा होता तो अब हमारी 3 एक्सिस इन्वॉल्व हैं, एक जेड एक्सिस जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है, समझ रहे हो, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा, वाई कॉम्पोनेंट भी होगा और जेड कॉम्पोनेंट भी होगा। वो चीज़ जैसे ही आगे आएगी वहाँ पर हम उसको कर लेंगे। फील आ गई इस चीज़ की? फिर हमने यार पढ़ा था कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, जहाँ पे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, राम 10 मीटर इधर गया, 5 इधर गया, 50 इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपका इनिशियल वेक्टर से लेके फाइनल वेक्टर तक, फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक और चीज़ भी हमने सीखी थी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि इफ All the vectors are in a particular sequence, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, then the addition of all those vectors is the displacement between the first vector and the final vector, ठीक है, तो ये भी हमने सीख लिया था। अब इस प्रश्न को यहाँ पे हम displacement किस तरीके से निकाल सकते थे, 2 तरीके हमने discover किए थे। पहला तो था कि भाई 2 बार triangle law लगा दो, ये 2, ये लगा दिया, उसके ऊपर बाद फिर हम इस पे और इस पे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और समझदारों वाला क्या तरीका था? कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हम सारे वेक्टर्स की टेल से टेल मिला देते थे, तो ये 10 मीटर पहले यहाँ बना दिया, फिर ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, फिर हम ये 53 डिग्री है, ये भी आपका 53 डिग्री, और इसको बाद में हम रिजॉल्व कर लेते थे, हम यहाँ पर इसका RX निकाल लेंगे, RY निकाल लेंगे और रिजॉल्व कर लेते थे,
तो ये चीज हमें समझ में आ गई थी, इतनी आ गई थी। अब एक डाउट था यार, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि भैया अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई तो क्या इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin x? नहीं यार, ऐसा नहीं लिख सकते। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इतना बुरा तो यार ज़िंदगी में किसी के साथ मत करना, ठीक है। ये आपका 1/sin x नहीं होता, इनफैक्ट इसको आपको फील लेनी है। तो कुछ इस तरीके से समझो यार कि अगर हम y का साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो हमें x मिलेगा। समझ पा रहे हो, y का अगर आप साइन लोगे तो आपको x मिलेगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू 30, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 30 का साइन लूँगा तो मुझे 1/2 मिलेगा। करके देख लेते हैं, इस साइन को पकड़ के उस तरफ फेंक दो, ठीक है। तो आपका 1/2 आपका इक्वल टू साइन 30 हो गया। तो वाई आपका बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, 30 डिग्री। तो फॉर साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, फील आ गई होगी, साइन 30 आपका हाफ। और यार ये इन्वर्स वगैरह देख के ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है क्या आ गया, पर जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे ये छोटी मोटी चीज़ें तो ऑक्सीजन बन जाएंगी, मतलब इतना अब वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये तो। हाँ ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होंगी हमारी हर जगह। और आज हम यार सबसे पहले अपना कॉम्पोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम फोर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से फोर्सेज हैं, कैसे कैसे लगते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिनमें से काफ़ी सारे आपके जेई में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर यार ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें आपको यार वेक्टर एडिशन करना है बाय कंपोनेंट मेथड, ये रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। देखते हैं कल का कितना याद है आपको। कंपोनेंट मेथड में क्या होता था, वो पांच जो स्टेप मैंने बताए थे, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ट्राई करो सॉल्व करने की, वीडियो पॉज करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कैसे करेंगे यार, हम कुछ तीन वेक्टर बनाए हुए हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ताल से ताल मिलाओ। तो हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी खुशी के लिए पहले डब्बा बना देते हैं, ताल से ताल मिलाएंगे। तो ये आपका 5 न्यूटन हो गया, इधर आपका 10 न्यूटन जा रहा है, और ये आपका 10 न्यूटन हो गया। तो अब सारे वेक्टर्स की टेल मिल रही है ना एक तरह से, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि यार हम एक सूटेबल एक्सिस ले लेंगे। सूटेबल एक्सिस मतलब वो एक्सिस जिसमें सबसे ज़्यादा आपके वेक्टर्स हों, ठीक है। तो दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इस तरह की एक्सिस ले लें, तो यहाँ पे हमें दो वेक्टर मिलेंगे, एक इस तरफ मिल रहा है और एक इस तरफ मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या होगा यार, यहाँ पे हमारा सिर्फ 10 न्यूटन वाला जो वेक्टर है, ये वाला, वही एक्सिस के अलोंग है। जो बचे हुए दोनों वेक्टर हैं वो आपका एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। तो भैया क्या दिक्कत है क्या इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है यार, आपको इन दोनों का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा कि भाई इसका आपका थीटा के साथ क्या बन रहा होगा, कॉस कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट, ठीक है, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट, हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ रहा होगा। इस वाली एक्सिस में आपका सिर्फ 10 न्यूटन वाला सिंगल वेक्टर भार है, तो हमें सिर्फ एक ही वेक्टर का कंपोनेंट भार लेना पड़ेगा, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आंसर आपका इस मेथड से भी, इस मेथड से भी सेम आएगा। तो इसलिए यार आपका स्टेप टू बताया हुआ था कि चूज़ अ सूटेबल एक्सिस। हमने ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली, ये 37 डिग्री था, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, 10 cos 37 आपका क्या हो गया, याद कर लो अब ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। ये 10 sin 37 आपका 10 × 3/5। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट की इक्वेशन लिख देंगे। तो आर एक्स, एक्स एक्सिस में हमारा रिजल्टेंट क्या हो रहा होगा, ये आपका हो गया 8। बेसिकली अगर आप और एक और स्टेप अगर आप लगाना चाहो तो, इनफैक्ट आपकी सहूलियत के लिए एक बार और बनाते हैं, क्या हमारा इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, अब 8 न्यूटन, इस तरफ कितना लग रहा है हमारा 5 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 6 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10 न्यूटन। अब पहला क्वेश्चन याद है हमने कैसे करा था, काट देंगे हर एक को, कैसे काटेंगे, आर एक्स में इस तरफ 8 लग रहा है, इस तरफ 5 लग रहा है, तो क्या मैं इसको यूं नहीं बना सकता अब कि भाई इधर रिजल्टेंट मेरा 3 न्यूटन लग रहा है और इधर मेरा नीचे 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है।
तो आर एक्स आर वाई की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दे आर टू वैक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी वाला तो अपने आप कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 5, और हमारा टैन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, यह आपका रिजल्टेंट वैक्टर हो गया। तो अगर हमारा अल्फ़ा ये वाला वैक्टर है, ये वाला वैक्टर है, तो उस केस में तो हमारा आ जाएगा 4/3। भैया आपने अल्फ़ा ये क्यों लिया, भाई कुछ भी ले सकते हो आप, चाहे अल्फ़ा इसको मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस केस में हमारा टैन अल्फ़ा क्या आ जाएगा 3/4, समझ रहे हो। अल्फ़ा यार ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था मैं अल्फ़ा इसको लूँ या नीचे वाले को लूँ, अरे इसको आप चाहे रामलाल नाम दो, नीचे वाले को श्यामलाल नाम दो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है यार। वो डिराइव करते वक्त मैंने आपको इसलिए बताया था कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये दो वैक्टर है, एक वैक्टर ए हो गया, दूसरा वैक्टर बी हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, ये आपका रिजल्टेंट बना, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा होता है, क्योंकि जो मैंने फार्मूला निकाला टेन अल्फ़ा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जिसे कि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। अगर आप इस वाले को अल्फ़ा बोलोगे, रेड वाले से लिख लेता हूँ, आप इस वाले को अल्फ़ा बोलोगे, तो उस केस में हमारा टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये हमने चीज़ डिराइव करके भी देखी थी। तो ये छोटे मोटे डाउट हैं, कोई नहीं, शुरुआत में आते हैं, टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, तीन बार रिवाइज करोगे नहीं आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यार। तो यहाँ पे आपका ये डब्बा फिर से बनाया, ताल से ताल जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी तालें जुड़ी हुई हैं इनकी, ठीक है। ये 3 न्यूटन हो गया, एक अच्छी सी एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, दो ही वैक्टर हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, हमें इसकी आदत है तो हमने यही ले लिया, ठीक है। अब आपका 3 न्यूटन वाला जो है, इसको हम कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्री का था, तो ये आपका 3 cos 60° कितना हो गया 3/2, ये आपका 3 sin 60° हो गया आपका 3√3/2। अब क्या करेंगे, आर एक्स और आर वाई में हम इनका हटा देंगे, तो इस तरफ आपका लग रहा है 5, इस तरफ आपका लग रहा है 3/2, इस तरफ आपका लग रहा है कितना 3√3/2, और इस तरफ आपका नीचे की तरफ कुछ है ही नहीं, ठीक है, नीचे की तरफ है ही नहीं। तब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, आर एक्स इक्वल टू आपका 5 − 3/2, आर वाई इक्वल टू आपका 3√3/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 1.5 आपने माइनस कर दिया, 3.5, और अब निकालते रहो, आर आपका टोटल क्या हो गया, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 49/4, 7/2 हो गया था ना, 3.5, प्लस आपका ये क्या हो गया 9 27/4, तो इसको भाई ऐड कर लो, आपका ये आ गया 76/4 का अंडर रूट, विच इज़ आपका अंडर रूट 76/2, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली हम अल्फ़ा भी अब आप निकाल लोगे, ठीक है, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा या मैं ही निकाल के दूँ, एक बार लास्ट और बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ क्या है 3√3/2, इधर हमारा निकला था क्या 3.5, ठीक है, तो आपका 7/2, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, अल्फ़ा क्या है कोई भी एंगल, ये वाला हो गया, तो टैन अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, हाइट अपॉन बेस, तो 3√3/7, अल्फ़ा क्या हो गया, टैन को उस तरफ फेंक देना, ख़त्म, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार दोनों में से कितने सही हुए। तो अब हम बात करेंगे यार फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है। अब फिजिक्स में है ना यार दो तीन टर्म्स हैं जिनके बिना है ना फिजिक्स अधूरी है, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया। जिस प्रकार मैथ्स में हम एक्स और वाई निकालते हैं, उसी प्रकार फिजिक्स में हम पूरे टाइम फोर्स एनर्जी वर्क डन, फोर्स एनर्जी वर्क डन, ये तीन चीज़ें निकालते रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे यार थोड़ा ध्यान देंगे, 9वीं 10वीं में भी हमने सीखी थी कि इट इज़ अ पुश और पुल बाय समथिंग ऑन समथिंग एल्स, कि भाई या तो ये एक पुश होगा किसी और के ऊपर, सेकेंड बॉडी के ऊपर, या फिर ये एक पुल होगा, पुल किसे करेंगे, किसी दूसरी बॉडी को, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा जानते हैं यार न्यूटन्स थर्ड लॉ, इनफैक्ट रिवाइज करते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फिर एक सड़ा वासा एग्जाम्पल था
कि भाई कोई तुम्हें तुम किसी को चाटा मारोगे तो तुम्हें भी चाटा पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, आज इसे खोल के समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से लिख भी लेना इनफैक्ट इस चीज को, कि मान लो दो बॉडी है हमारी, ठीक है, दो बॉडी है हमारी और ए हमारा बी के ऊपर फोर्स लगाता है 10 न्यूटन का। ए हमारा बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो एक्शन क्या हो गया हमारा इस केस में, बाय ए ऑन बी, बाय ए ऑन बी। रिएक्शन क्या होगा, बाय बी ऑन ए। अब बी ए के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो यूं ग्रेविटेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, कि भाई मान लो एक प्लैनेट है जिसका मास है m1, ठीक है, एक और बॉडी है जिसका नाम मास है m2, ठीक है, तो m2 m1 के ऊपर अगर इतना फेर फोर्स लगाता है मान लो 10 न्यूटन का, ठीक है, तो m1 भी m2 को 10 न्यूटन से रिएक्ट करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये 10 ही होगा, ये 12 नहीं हो सकता, एज्यूमिंग कि सिर्फ इन दोनों, ये दो ही फोर्स हम कंसिडर, यही फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यही फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे और कोई ब्रह्मांड का फोर्स नहीं लग रहा, समझ रहे हो, तो ये 12 नहीं हो सकता, यहाँ पे ये 10 ही होना पड़ेगा। तो ये काफ़ी यार इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये चीज़ यार आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, कि ये दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में भी नहीं है एक दूसरे के, और फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो फिजिक्स में यार आपको ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, कि भाई टच नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट सर्फेस नहीं है, पर फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। किस प्रकार के फोर्स हो गए, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इसी प्रकार से काम करता है। 12वीं में हम चार्जेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, वो भी एक दूसरे को ऐसे बिना टच करे भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। अब यहाँ पे यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लो, इनफैक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या कि आपका जो न्यूटन्स लॉ है वो सारे के सारे लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कैसे, जैसे कि अगर हमारा नॉर्मल है, इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर बाद में नॉर्मल लॉ के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि आप धरती के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो आप धरती के ऊपर वजन डाल रहे हो, धरती को पुश कर रहे हो नीचे की तरफ, और धरती भी आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो ये आपका एक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, प्लैनेट के केस में हमने देख ही लिया कि भाई एक प्लैनेट इस तरफ खींच रहा है, दूसरा भी उसे इस तरफ खींच रहा है। फ्रिक्शन के केस में भी यही होता है, हम चलते हैं, ठीक है, तो आपका पीछे फ्रिक्शन लग रहा होता है, हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, समझ रहे हो, तो ये चीज़ भी यार लिख लो। अब यार काफ़ी आपकी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो दो फोर्सेस होते हैं एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते। कैंसिल इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई ये आपके दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, सेम बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि ये बॉडी है इसके ऊपर इस तरफ 10 न्यूटन लगा, इस तरफ 10 न्यूटन लगा, तो भाई इस केस में ये कैंसिल होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा, इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा, ये एक्शन था, ये रिएक्शन था, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ये दो डिफरेंट बॉडी हैं। और यार एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो होंगे ही, साथ में ऑपोजिट फोर्सेज होंगे। इनकेस अगर जैसे बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो 10 इस तरफ है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर बॉडी जैसे रिपल कर रही है फॉर एग्जांपल तो इस तरफ फोर्स है तो ये ऑपोजिट होगा। तो आई होप इस चीज़ की फील आ गई होगी हमें। तो अब यार क्वेश्चन के ऊपर जंप करने से पहले कुछ कॉमन फोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारे फोर्सेज लग रहे होंगे, तो थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं इनके बारे में। जो पहला होता है यार वो होता है आपका वेट ऑफ अ बॉडी, जो आपकी अर्थ होती है ये, ठीक है, यह आपका एक पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यह आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अर्थ का होता क्या है, कोई भी इसे बॉडी मिली मान लो m1 मास की, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगी, किस फोर्स से, m1g से, ठीक है। थर्ड लॉ लगाओगे न्यूटन का तो ये उसी से इसको वापस रिएक्शन भी मिल रहा होगा। यहाँ पे जी क्या होता है, जी यार आपका 9.8 meter per second square, 9th में हमने पढ़ा भी था, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बाहर जाते जाओगे जो पुलिंग फोर्स है वो कम होता जाएगा, ठीक है यार। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको काम की अगर दिख रही हो, क्या कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम चाहे हवा में हो
तब भी हमारे ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है। तो ये देखो फिजिक्स के चमत्कार। नेक्स्ट कॉमन फोर्स होता है यार आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे जितना कॉन्सेंट्रेशन है सब एकांतरित कर दो, क्योंकि यार ये जरूरी है, आगे जितने भी क्वेश्चन कर रहे होगे लगभग हर एक में ये आपका लग रहा होगा, और अगर फंडा ठीक नहीं हुआ तो गलत लगा दोगे और गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस क्या होता है, मान लो आपने ज़मीन पे एक डब्बा रख दिया, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, ये पुशिंग फोर्स होता है, मतलब ये जो डब्बा है ये इस धरती को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, ध्यान रखो पुशिंग है पुलिंग नहीं है, ठीक है, थ्रिलिंग है। ये आपका हो गया मान लो फोर्स वन, ठीक है, फिर सिमिलरली धरती भी आ इसको बॉक्स को ऊपर फेंक रही होगी, किससे, सेम से F1, ठीक है यार, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन में जरूरी नहीं है बॉडी कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है नॉर्मल रिएक्शन के लिए। और एक और चीज, ये आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है इन द सेंस, अगर हम एक एग्जांपल लें किस चीज़ का, जैसे एक रॉड पड़ी है, ठीक है, ये दीवार है ये फर्श है, एक रॉड हमने यहाँ पे टांग दी है, तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से आपका एक फोर्स लगेगा N1, ठीक है, N से रिप्रेजेंट करते हैं यार आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका लग रहा होगा N2, बाकी फोर्सेज भी लग रहे होंगे पर अभी हमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन से फ़र्क पड़ता है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये काफ़ी बार हर किताब में होता है, क्या तीन डब्बे रख दिए, अब कैसे फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, तो इसे बनाने के लिए यार ध्यान से सुनो, जो ये सेकंड डब्बा है इस फर्स्ट डब्बे को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो गए ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका दूसरा कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिर आपका ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल तो लगेगा, पुशिंग फोर्स लगेगा, पहले ये वाला डब्बा इस पे पुशिंग फोर्स लगाएगा, क्या N1, अच्छा N1 लगाया तो ये वाला डब्बा इसके ऊपर भी पुशिंग फोर्स लगाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका N2, ठीक है। सिमिलरली ये वाला डब्बा इस पूरे के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, पुश करेगा इसे ऊपर की तरफ की, ऊपर जा, क्या होगा वो N3। फिर सिमिलरली अब ये ऊपर वाला नीचे की तरफ पुश करेगा इसे, क्या होगा वो N4। अब जो जमीन है वो इस डब्बे को ऊपर की तरफ पुश करेगी, क्या फोर्स N5, ठीक है। फिर ये जमीन का फिर से बना दिया, अब ये जो डब्बा है ये जमीन को नीचे की तरफ पुश करेगा, क्या हो गया N6। तो इस तरीके से यार नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर, N1 हो गया, ठीक है, इधर ये हो गया तो ये इस डायरेक्शन में N2 हो गया, बाकी भी फोर्सेस लग रहे होंगे, अभी हमें सिर्फ नॉर्मल जो फोर्स है रिएक्शन है उसी से फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आई होप यार इसकी फील आ गई होगी, ठीक है, फील आ गई होगी, फील आनी ज़रूरी है। इस फैक्ट इसको यार वापस जाके दो बार और देख लो, चाहे जितना बार देखोगे उतने ज़्यादा फील आएगी, फंडे समझ में आएंगे। अब यार थोड़ा सा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में रिवाइज करते हैं। भैया इस चैप्टर का नाम वेक्टर्स एंड फोर्सेस था, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक कहाँ पहुँच रहे हो? नहीं, उस चैप्टर पर नहीं पहुँच रहा हूँ यार, पर YouTube पे जब हम एक चैप्टर को मैं अपलोड कर रहा हूँ तो एक बेसिक आइडिया ये रख रहा हूँ कि यार यहाँ के जो बच्चे हैं ना ये इतने लॉयल नहीं होते, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो तुमने लाखों रुपए दिए हैं तो तुम वसूलने के लिए सारी क्लासेज अटेंड करते हो, यहाँ पे अगर एक बच्चा मानो एक चैप्टर भी कवर करता है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आपका चाहे JEE एडवांस तक का क्वेश्चन हो वो भी आप सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें जो कि शायद आपके आगे वाले चैप्टर पर डिपेंडेंट हो वो भी मैं साथ साथ में कराता रहूँगा, और उससे लोड नहीं पड़ेगा, सिंपली समझते जाओगे, ठीक है यार। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था यार, कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जा रही है तो वो करती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, वो जाती जाएगी अनटिल अनलेस हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। जैसे कि अगर आप स्पेस में पत्थर फेंकोगे तो वो जाता ही जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एयर फ्रिक्शन नहीं है। हम अर्थ पे फेंकेंगे तो वो गिर जाएगा, ज़मीन से फ्रिक्शन लगेगा, हवा से फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। या फिर अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, ठीक है, आपने ये रख दिया तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, अनटिल अनलेस मैं इसे आके मारूं और ये फिर गिर जाए, समझ रहे हो। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इस्तेमाल ये हो रहा है कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब भाई मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था इस डायरेक्शन में और भाई 10 घंटे बाद भी मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, सेम इसी से जाया जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, ये कभी भी 11 नहीं हो रही या फिर 9 नहीं हो रही या फिर इस डायरेक्शन चेंज हो गई 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैं जाए जा रहा हूँ, ये होती है आपकी वी कांस्टेंट। जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। भैया एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है यार, ये वैसे चीज़ें सारी 9वीं 10वीं में पढ़ाई थी, ठीक है, पर कोई बात नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि भाई पहले 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ डी एक्सेलरेट होती है। पर यहाँ पे जब हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही, ज़ीरो है, ठीक है, तो जब हमारी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो हमारे सम ऑफ ऑल फोर्सेज, ये क्या है, समेशन का साइन, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज ऑल्सो ज़ीरो। भैया सारे फोर्सेज का सम ज़ीरो कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आया। F इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के लॉ फिर से याद करो, F इक्वल टू ma, 9वीं 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था। तो जब a ही आपका ज़ीरो है, F इक्वल टू ma होता था, ठीक है, जब a ही आपका ज़ीरो है तो सारा बेसिकली जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज हैं किसी बॉडी के ऊपर वो भी ज़ीरो हो गए, ठीक है। बेसिकली आप यूँ समझने की कोशिश करो, स्पेस वाले एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाओगे, जो पत्थर हवा में उड़े जा रहा है, स्पेस के अंदर, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है क्योंकि अभी ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना कुछ और हो रहा है, ठीक है, और उस पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा, तो बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इज ऑल्सो ज़ीरो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज ज़ीरो, कुछ लग ही नहीं रहा, तो वो भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सारे फोर्सेज बैलेंस आउट हो रखे हैं, वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कभी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भाई एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, तो यार वहाँ पे आपको एज्यूम करना है, वो बेसिकली सीधा सीधा आपके मुँह पे बोल रहा है कि यार बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर होती है तो हम एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं होती तो हम थोड़े और जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यार ध्यान रखना, नोट कर लो, बच्चों को चीज़ ये ध्यान नहीं रहती, नोट कर लो। अब जब भाई समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई बॉडी है, मान लो ये डब्बा है, इसके ऊपर टोटल फोर्स ज़ीरो है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस में भी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़ीरो ही होगा और वाई एक्सिस में भी जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो भी ज़ीरो ही होगा। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अब जब भी आपके प्रश्न, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार, और उसके ये स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जब भी क्वेश्चन में पहली लाइन लिख रखी हो द बॉडी इज़ एट रेस्ट, या फिर द बॉडी इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, जब भी ये तीन लाइनें सुनने को मिले, मतलब हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो सबसे पहले यार हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसे FBD बोलते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, अभी कुछ क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ये स्टेप अभी बस लिख लो अपने थ्योरी पार्ट के लिए। उसके बाद हम दोबारा एक नाइस एक्सिस चूज़ करते हैं यार, ठीक है, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, फिर हम रिजॉल्व करते हैं, फिर एक्स एक्सिस में सारे लिख देते हैं कि भाई जैसे ये डब्बा है तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका सम इसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका समेशन ऑफ एफ एक्स इज़ ज़ीरो, तो बेसिकली आपकी एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इनका जो सम है वो आपका ज़ीरो आ रहा होगा, ये ए दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस में बात करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, जब हम वाई एक्सिस में बात करेंगे तो जो ऊपर फोर्स लग रहे हैं आपके, यहाँ पे भी तो हमारा समेशन ऑफ एफ वाई ज़ीरो है ना,
तो जो ऊपर फोर्स लग रहे होंगे और जो नीचे फोर्सेस लग रहे होंगे आपके जितने भी, ये भी एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। और उस प्रकार से हमारे कुछ इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे और उनको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं, सारी चीज़ इतनी सिंपल सी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, फंडे क्लियर होने जरूरी। तो यार ये तीन क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ए एंड बी इफ सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज जीरो। सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज जीरो मतलब ये कह रहा है कि भाई समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, मतलब क्या कह रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। मतलब क्या कह रहा है, जो मैंने वो स्टेप बताए थे पांच, अब वो फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ऑलरेडी बना हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर डब्बे वब्बे बने होते हैं ना यार, वहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। स्टेप टू क्या है, चूज अ सूटेबल एक्सिस। तो भाई हमारे दो वेक्टर इनको इस x और y एक्सिस में, तो हम ये वाली एक्सिस ही ले रहे हैं, ठीक है, यही ले ली हमने। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करो मतलब इस तरफ हमारा b हो गया, यहाँ नीचे की तरफ हमारा 10 न्यूटन लग रहा है, और ये जो a है इसको हम कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, a cos 30, और इधर हमारा हो गया a sin 30। फिर हमारा क्या था कि हम x एक्सिस और y एक्सिस में सम ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ राइट साइड। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, ए साइन 30, राइट साइड में क्या है, बी। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हमारा क्या हो गया, ए कॉस 30, नीचे की तरफ क्या हो गया, 10। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी। तो ए हमारा क्या हो गया, 10 अपॉन कॉस 30, वो क्या हो गया आपका 10/20/√3, ठीक है। अब सिमिलरली बी भी निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन में यार ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो अब हम एक सूटेबल एक्सिस ले लेते हैं। तो क्योंकि थीटा और 60 डिग्री अलग अलग एंगल हो सकते हैं, तो हम फिर यही ले लेते हैं, ये ठीक लग रही है देखने में एक्सिस। इसको यार इसके कॉम्पोनेंट्स में अब रिजॉल्व करेंगे, कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, 5 cos 60 degree, तो ये 5/2 और आ गया इस तरफ। इधर 5 sin 60 degree, तो 5√3/2 हो गया। ये आपका a है, तो इधर आपका a cos थीटा हो गया, और नीचे की तरफ क्या हो गया, a sin थीटा। तुम में से कोई सो तो नहीं रहा ना अभी, ठीक है, सोना नहीं है, जोश बनाए रखना है। अब हम अपना x एक्सिस वाली इक्वेशन सारी लिख लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट में क्या है, a cos थीटा, और कुछ तो नहीं है भाई, नहीं है। राइट साइड में क्या है, 5 + 5/2, तो आपका 7.5 हो गया, ठीक है। y एक्सिस में क्या है, इसे यहाँ लिख देता हूँ यार, आप थोड़ा जल्दी समझ जाओगे। नीचे की तरफ क्या है हमारा सम, a sin थीटा, ऊपर की तरफ हमारा क्या क्या लग रहा है, एक तो हमारा लग रहा है 5√3/2, और कुछ तो नहीं लग रहा, नहीं बस यही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, a और थीटा निकालना है, सॉल्व कर दो यार सिंपल, इन दोनों को ही डिवाइड कर दो आपस में। तो आपका tan थीटा जो है वो हो गया आपका 5√3/15, ठीक है, तो ये आपका और कट गया, तो 1/√3 हो गया, सही है। क्या लग रहा है, ये थीटा कुछ लगा हुआ सा लग रहा है, देखिए कभी ये वैल्यू पहले, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तब आप ए की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, यहाँ पे डाल लेना, ए आपका आ जाएगा, तो ए साइन 30 डिग्री, ए बाय टू इक्वल टू 5√3/2, तो ए इक्वल टू 5√3, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया सिंपल। अब इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक डब्बा रखा हुआ है मास m का। ये जो सरफेस है यार ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल मतलब वो नहीं लग रहा। आगे हम कल को क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमारा फ्रिक्शन होगा, ये थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, मैं यहाँ से कितना इसको खींचूं कि ये डब्बा नीचे ना गिरे, ठीक है, फोर्स नहीं होगा तो डब्बा नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से, सीधा फिसल जाएगा वहाँ पे। तो मैं कितना लगा के रखूं जिससे कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है यार, द सिस्टम स्टेज एट रेस्ट। तो यार यहाँ पे अब हमारा स्टेप वन क्या होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो दोबारा बना लेते हैं यार इसको यहाँ पे, जिससे थोड़ी फील अच्छी आ जाए। तो ये आपका मास एम है, तो अब जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं हम सब बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो एफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कौन सा लग रहा है, इसका वेट लग रहा है नीचे एम जी, ठीक है, और क्या क्या लग रहा है,
नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो हमने अभी पढ़ा था, ये जमीन इस डब्बे को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ तीन फोर्स लग रहे हैं। अब हमें एक सूटेबल एक्सिस चूज करनी है, कौन सी ले लें, ये ले लेते हैं, दो वेक्टर आ जाएंगे इसमें हमारे, तो ये हमारी सूटेबल एक्सिस हो गई। ये एंगल हमें थीटा बताया हुआ था, तो ये एंगल कितना होगा। अब यार ये चीज़ निकालने के लिए फिजिक्स में पूरे में हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, ध्यान से सुन लो, एक बहुत तगड़ी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ये एंगल निकालने के लिए 90 माइनस थीटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से थीटा माइनस करोगे, नहीं, साथ साथ में लिखो मेरे, अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आया दोबारा बोल रहा हूं, अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। तो हमेशा यार ऐसे याद रखना है, हमारे सारे एंगल हमेशा निकल जाएंगे। तो इधर देखोगे तो अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो कल को यार हमारे बहुत बार ये यूज़ हो रहा होगा, ये छप जाना चाहिए मतलब। तो अब हम यार इसको कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ये कॉम्पोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये आपका हो गया एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ हमारा लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब यार अपना एक्स एक्सिस में क्या क्या हो गया, लेफ्ट साइड में एम जी साइन थीटा, और कुछ तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, इक्वल टू एफ। और वाई एक्सिस में क्या हो गया हमारा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू आपका नॉर्मल फोर्स। तो हमारा F कितना होना चाहिए, एम जी साइन थीटा के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व। अब यार ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था इसमें हमने एक चीज़ एज्यूम करी थी, ये वाली एक्सिस, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग हमारा F आ गया था, ये ऊपर N आ गया था, और हमें सिर्फ एम जी के कॉम्पोनेंट्स डिवाइड करने पड़े थे। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ट्राई करके देखो, क्या क्या अगर हम ये वाली एक्सिस लें तो हमारा कैसे होगा। तो यार उस केस में हमारा नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, ठीक है, हमारा फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो गया, ठीक है। फिर हमारा नॉर्मल कुछ ऐसे लग रहा होगा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा आ गया। कैसे निकाला, वो जो अभी मैंने इतनी देर बताया था, ठीक है, उसी से निकाला मैंने। अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है यार ये भी आ गया। तो अब हम कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे इसको, तो ऊपर चला गया n cos थीटा, f का इधर आएगा क्या, f sin थीटा, इधर आएगा f cos थीटा इसको, और इधर आएगा n sin थीटा। तो जब अब हम इसे x एक्सिस में लिखेंगे तो सम ऑफ लेफ्ट क्या हो गया हमारा, n sin थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा, और y एक्सिस में क्या हो गया, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है यार। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन को रिप्लेस कर देते हैं उससे, क्या आ जाएगा ये एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये साइन साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हुआ क्या, आंसर तो अभी भी सेम आ गया पर हमारी कैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ गई, ठीक है। तो सूटेबल एक्सिस लेना ज़रूरी है, और चाहे नहीं भी ले पाते हो किसी कारण तो आंसर सेम ही आएगा। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हुए, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये आपका दोबारा से स्मूथ है, यहाँ पे फिर से एक डब्बा रख देते हैं। अब इस डब्बे के ऊपर पहले हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, नहीं अब मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, मैंने ऐसे हाथ रख रखा है उसके ऊपर, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये फर्श है आपका इंक्लाइन, ये आपका
रेस्ट पे रहे, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पे रहे, इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये हम फंडे रिवाइज कर रहे थे, मतलब इनकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। कैसे बना देंगे, दोबारा बना देता हूँ, वैसे वहाँ पे भी हम कर सकते थे कि भाई जो आपका एफ है वो आपका लगभग यहाँ लग रहा होगा डब्बे के ऊपर, ठीक है, इधर आपका एम जी लग रहा होगा, ये आपका एंगल थीटा था, यहाँ पे थीटा था ये एंगल, ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक सूटेबल एक्सिस ले लें, कौन सी एक्सिस लें, ये वाली अच्छी लग रही है, अब ये वाली एक्सिस अच्छी लग रही है, ये एक्स और ये वाई है ना, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो अलाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। तो अब हम एक्स एक्सिस में क्या होगा, सम ऑफ लेफ्ट साइड क्या है, ये आपका एन साइन थीटा हो गया, ये आपका एन कॉस हो गया, तो एन साइन थीटा इक्वल टू एफ, और वाई में हो गया आपका एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो फोर्स कितना हो गया, लगा दो इसको, एफ हो गया आपका एम जी टैन थीटा, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। तो अब यार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब जिससे हमारा है ना जीवन सब सफल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे करके हमें काफ़ी अच्छा फील होगा अपने बारे में। तो यार ये एक वॉल हो गई, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये आपका स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ नो फ्रिक्शन, यहाँ पे दो डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, और दूसरा डब्बा आपका कुछ ऐसे है, ये आपका आगे ऐसे गया, ये आपका डब्बा हो गया M1, ये आपका डब्बा हो गया M2, ठीक है। प्रश्न ये है कि यहाँ से मैं कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट पे रहे। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो फील आ रही है कि ये M2 नीचे गिरेगा और M1 इस तरफ निकल जाएगा, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, और आगे ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपके हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो यार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब दो बॉडी हैं तो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले हम M1 का बना लेते हैं यार। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा, ठीक है, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। एक तो भाई नॉर्मल फोर्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो M2 इसे ऐसे यूँ धक्का दे रहा होगा नीचे की तरफ। तो एक तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा, और साथ में एक कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा ये भी है, तो जो धरती है वो भी इसे ऊपर की तरफ धक्का दे रही होगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल फोर्स हमारा ये हो गया, इसको N1 नाम दे देते हैं, इसको N2 नाम दे देते हैं। अब इसका वजन भी है यार M1, तो ये नीचे आपका M1G भी लग रहा होगा, ठीक है यार, और तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ भाई ये फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स लग गया। अब साथ में यार M2 का भी बना लेते हैं हम, ठीक है, जिससे कि हमें फील आ जाए थोड़ी सी, क्या आ जाए, फील आ जाए। अब यहाँ पे यार ये हमारा M2 का हो गया, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो भाई ये फील आ रही है कि ये दीवार ऐसे पुश कर रही होगी इसे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एक आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया क्या N3, साथ में ये नीचे वाला जो M1 है ये भी इसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, ये ले वापस जा तो यहाँ से। तो क्योंकि हमें N2 था तो इसके इस तरफ क्या लगेगा, ये भी N2 होगा, और इसका खुद का नीचे वेट, तो ये आपका M2G हो गया। और तो कुछ नहीं लग रहा यहाँ पे, नहीं लग रहा, बाकी सब तो क्लियर लग रहा है। तो अब यार सेकंड स्टेप होता है कि एक अच्छी एक्सिस चूज़ कर लें। उसके लिए यार पहले हमें एंगल वेंगल पता होने ज़रूरी हैं थोड़े, कि भाई ये एंगल कितना होगा क्या नहीं होगा। तो अगर ही मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ तो हमें क्या दे रखा है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, सिमिलरली ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है भाई ये समझ में आ गया। अब ये जितने भी फोर्सेज हैं इनको एक बार एक्सिस में बना लेते हैं कुछ ऐसे, कि भाई यहाँ पे हमारा एफ लग रहा है, नीचे एम वन जी लग रहा है, और कोई लग रहा है नीचे, ये आपका एन टू हो गया,
और ये आप हमारा एन वन हो गया। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल एक्सिस कौन सी लग रही है? ये वाली ठीक लग रही है यार, तो इसको कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर देंगे। ये आपका एंगल थीटा था, तो अब नीचे की तरफ आपका एन टू कॉस थीटा और हो गया, और इस तरफ हमारा एन टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसका बनाते हैं, अब जब पे सॉल्व करो यार, तब एक बार में एक का करना फिर उसका करना। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको हर स्टेप की थोड़ी फील आ सके। यहाँ पे देखें तो यार नीचे आपका एम टू जी लग रहा है, ये आपका एन टू हो गया, ये आपका एन थ्री हो गया। सूटेबल एक्सिस कौन सी लग रही है? यही अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट बना देते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये आपका एन टू कॉस थीटा और ये आपका एन टू साइन थीटा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? रिजॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे भैया? एक्स एक्सिस में आपका सम ऑफ लेफ्ट साइड क्या है? एन टू साइन थीटा है। राइट साइड में क्या है भाई? फोर्स हो गया। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या है? एन वन हो गया। नीचे की तरफ क्या है भाई? एक तो एन टू कॉस थीटा और एम वन जी है। अच्छा भैया, अच्छा तो इसको लिख लेते हैं शांति से। और यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस में इधर क्या लग रहा है? एन थ्री। इधर क्या लग रहा है? एन टू साइन थीटा। अच्छा अच्छा वाई एक्सिस में क्या लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? एन टू कॉस थीटा। नीचे क्या लग रहा है? एम टू जी। अब क्या करेंगे भाई? चार इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो करके देख लेते हैं एक बार कहाँ पे क्या डालना होगा हमें। तो एन टू कॉस थीटा को हमें निकालना क्या है? एफ। तो एफ इक्वल टू एन टू साइन थीटा। एन टू को रिप्लेस कर दो। एन टू हमें कहाँ दिख रहा है? एन टू हमें कहाँ दिख रहा है? एन टू हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो एन टू को हम लिख सकते हैं एम टू जी बाई कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को यहाँ ले लो, एफ इक्वल टू एन टू साइन थीटा। एन टू हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमने रिप्लेस कर देंगे एम टू जी बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम टू जी टैन थीटा। तो ये फोर्स आ गया, खत्म। तो यार इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि यार आप अपना एन टू भी निकालो, एन थ्री भी निकालो, ठीक है, एन वन भी निकालो, सारी वैल्यू निकालो, और उसके बाद आप एक चीज़ फील कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। क्या? कि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। ये कि भाई जो आपका सिस्टम था ना, इस तरीके से हमने कुछ बना रखा था, ठीक है। अगर हम इन दोनों डब्बों को मैं सिस्टम मान लूँ, ठीक है, एक सिंगल बॉडी मान लूँ, तो यहाँ से जो मैंने फोर्स लगाया ये वाला, और इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा N3 था, इनकी देखो कहीं सेम वैल्यू तो नहीं आ रही, ठीक है। और यहाँ जो हमारा टोटल मास नीचे जा रहा था क्या था? M1 प्लस M2 जी बोल सकता हूँ। और जो हमारा नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था कौन सा लग रहा था? यहाँ से N1 लग रहा था। ये सेम तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं कर रहे? तो फिजिक्स में सारी चीज़ है ना बड़ी सुंदर है, मतलब ब्यूटीफुल। अगर ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो फील आएगी। क्या आएगी? फील आएगी। तो यार अब ये तीन क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है, इनको ध्यान से देख लो, फोटो ले लो इनकी, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये ओके ओके लेवल का क्वेश्चन है, ये भी ओके ओके लेवल है। तो मैं चाहता हूँ इनमें तुम अपना पहले खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, गलतियाँ करो, सुधारो, हो सकता है तुम सही आंसर भी निकाल लो, और जो भी आंसर निकालो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर काफ़ी बच्चों का मैच होता है, आपको लगता है ये मैच हो रहा है, तो उसको लाइक लेके आओ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर, कितने बच्चे गलत आंसर, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया आपका। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, तीन बार लिखना कल की क्लास से पहले, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।